हाई एवरी वन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेटेड एमसीक्यूज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉन कंडक्टिंग। नाउ सी, इन सारे ही कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट ने बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मीन्स उसके पास कितने लिगेंड्स होने चाहिए, 6 लिगेंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर 3Cl और 3NH3 लिगेंड्स, मीन्स टोटल 6 ही लिगेंड्स हैं। तो 6 के 6 लिगेंड्स किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर 4NH3 लिगेंड्स और 2Cl लिगेंड्स तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, वेयर एज 1Cl इज आयनाइजेबल। इन ऑप्शन नंबर 3, 5NH3 और 1Cl कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 2Cl आर आयनाइजेबल। इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 4, 6NH3 विल बी इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड 3Cl विल बी आयनाइजेबल। सो ये सारे क्या होंगे, कंडक्टर्स, वेयर एज ऑप्शन नंबर 1 विल बी नॉन कंडक्टिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इज। इन ऑल द 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग या तो हाइब्रिडाइजेशन या इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ हमें इसका पेयर गिवन है। सो पहले देखते हैं सारी कॉम्प्लेक्सेस। इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होगी। बट यहाँ पे ये जो CN है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन्स की और ये यहाँ पर एक d ऑर्बिटल वेकेंट रह जाएगा। इसके बाद क्या है, S एंड देन P, तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इन केस ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव, अगेन निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। बट यहाँ पर अब जो ये क्लोरीन है, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी। सो क्या फॉर्म करेगा ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट विल बी अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आयरन एटॉमिक नंबर इज 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई, 3d5। नाउ वाटर इज अगेन अ वीक फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग नहीं होगी। यहां से क्या बनेगा, एस वेकेंट है इसके पास, पी वेकेंट है इसके पास और आउटर डी ऑर्बिटल भी वेकेंट है, तो यहां से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3d2 एंड दिस विल बी अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नाउ इन दिस केस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इज 27 और यहाँ पे भी क्या है, जो फ्लोरीन है, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज पेयरिंग नहीं करवा पाते। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो अ करेक्टली मैच्ड पेयर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल्सो अ करेक्टली मैच्ड पेयर। सो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग pairs contains only tetrahedral complexes. Just now in question number 2, we have discussed that in NiCN whole 4 2 negative complex, Ni has DsP2 hybridization and DsP2 hybridization jisme hoti hai, complexes wo kaun se hote hain, square planar. So, ye option aur ye option to yahan se gaye. Bache option number 2 and option number 4. In case of option number 4, C1H3 whole 4 2 positive shows exceptional behavior and यहाँ पर copper की hybridization क्या है, sp2d, that is it is also a square planar complex. So tetrahedral complexes कौन से हुए, ZnCl4 2 negative and MnCl4 2 negative, which is option number 2. Question number 4, the number of possible geometrical isomers of this complex. तो जब भी ऐसा कोई complex given होता है जहाँ पर सारे ही लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं, वहां पर हम एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं और बाकी सारे लिगेंड्स को 1 by 1 ट्रांस पे
प्लेस करते हैं उस लिगेंड के विद रिस्पेक्ट टू. दैट इज, अगर यहाँ पर NO2 लिगेंड को मैं फिक्स कर लूँ तो एक बार PY को ट्रांस में लगाएंगे, एक बार NH2OH को ट्रांस में लगाएंगे एंड एक बार NH3 को ट्रांस में लगाएंगे. तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे यहाँ से? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, विच इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उन्होंने तो क्या करवा देनी है, पेयरिंग करवा देंगे, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए हमें वीक फील्ड लिगेंड्स चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की. यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, तो 3d8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई. यहां पर वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा एंड इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. नाउ इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 2, ये जो कार्बोनिल लिगेंड है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इट कैन नॉट फॉर्म पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 3, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 एंड जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30, तो यहाँ पे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लियरली इट इज ऑल्सो नॉट अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. इन केस ऑफ ऑप्शन नंबर 4, जो कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. दिस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 6, वॉट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन. तो यहाँ पे बेसिकली हमें कंपेयर करना है बिटवीन द लिगेंड्स NH3, CN एंड वाटर. द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज इन द ऑर्डर CN नेगेटिव ग्रेटर देन NH3 विच इज ग्रेटर देन वाटर. तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्पिटिंग एनर्जी CN नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स की, इसीलिए उस कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ क्या होगी जो उसने एब्जॉर्ब की, दैट विल बी द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. सो सबसे कम वेवलेंथ होगी COCN वाले कॉम्प्लेक्स की, देन CONH3 वाले कॉम्प्लेक्स की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी COH2O वाले कॉम्प्लेक्स की, विच इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 7, द IUPAC नेम ऑफ PtNH3 होल ट्वाइस ClNO2 इज. क्या होगा इसका IUPAC नेम? डाई अमीन क्लोराइडो बिकॉज ये नेगेटिव लिगेंड है, नाइट्राइड टो अगेन बिकॉज ये नेगेटिव लिगेंड है, और किससे कनेक्टेड है, N से, एंड देन प्लैटिनम 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्वस पिंक सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट टू क्लोराइड चेंजेस टू डीप ब्लू ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस HCl. दिस इज बिकॉज नो, यहाँ पे फर्स्ट टू ऑप्शन में एक बार तो हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही गिवन है फॉर्मेशन, एंड एक ऑप्शन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से वी आर फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. नाउ क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि पिंक से कलर चेंज हो रहा है टू ब्लू, दैट इज वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग. वेवलेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. और यहाँ पे ये जो कम वेवलेंथ वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऐसा क्यों? बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 9, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर. ऑप्शन नंबर 1, CoEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव. कैसे होगा ये? ऐसे, दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ट्रांस CoEN टू Cl2. इन दिस केस यहां पे क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है एंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव इज कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. सो ट्रांस वाला कंपाउंड तो इट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट सिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज हेयर देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट. एंड ऑप्शन नंबर 4, दैट इज MA5B टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेज आर ऑल्सो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. सो द करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 10,
विटामिन बी 12 कंटेन्स, विटामिन बी 12 में क्या होता है, कोबाल्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट 10 MCQs रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स.